मेरा नाम है डॉक्टर देवशीष शर्मा और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं। और एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है हमसे कि स्पाइन सर्जरी के बाद क्या मैं भाग पाऊंगा, चल पाऊंगा, रन पाऊंगा। और कई लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि कैन आई रन अ मैराथन आफ्टर स्पाइन सर्जरी। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर रनिंग एंड वी ऑल दोज पीपल हु रियली लव टू लर्न एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर स्पाइन प्रॉब्लम्स। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा दूर चल नहीं पाते होंगे। क्लॉडिकेशन नाम की एक क्लिनिकल सिम्टम होता है जिसमें आप जब भी 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम, 300 मीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलने के बाद आपके पैर भर जाते होंगे। इस परेशानी की वजह से लॉन्ग टर्म आप दूर चल ही नहीं पाते और कुछ पेशेंट्स ये डाउट करने लगते हैं कि क्या वो कभी चल पाएंगे या भाग पाएंगे। तो मेरा स्पाइन सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि स्पाइन सर्जरी के बाद आदमी चल भी सकता है, भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है और सब कुछ कर सकता है बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। ऑब्वियसली उसके एज के हिसाब से, अब अगर कोई 20 साल का है तो वो 20 साल के हिसाब से काम करेगा और अगर कोई 80 साल का है तो 80 साल के हिसाब से काम करेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप स्पाइन सर्जरी कराना चाहते हैं और आपको डर लग रहा है कि इसके ज्यादा भाग नहीं पाएंगे तो ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पाइन सर्जरी के बाद रनिंग 100% पॉसिबल है, बहुत अच्छी तरह पॉसिबल है। आपकी बोन्स, आपकी मस्कुलेचर्स आपको सपोर्ट करेंगी तो आप कितनी भी तेज भाग सकते हैं, जितनी तेज आपकी बॉडी कंफर्टेबली अलाउ करेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके सवाल का आपको सही जवाब हम दे पाए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमें रिलेटिवली कोई अपने सवालों को लिख के नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं और उनके हम जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।